आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने जो भी क्षेत्र में अपना पैर रखा वहां बुलंदियों को छू लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो विंची के बारे में। सोचिए, एक आदमी अपनी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है, लेकिन लियोनार्डो विंची चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, पेंटर, एनाटॉमिस्ट और भी कई क्षेत्रों में वो बहुत सक्षम थे। लेकिन जिस कारण लियोनार्डो इस दुनिया में मशहूर है वो है उनकी पेंटिंग मोनालिसा की। लियोनार्डो का जन्म विंची नामक कस्बे में हुआ था। लियोनार्डो अविवाहित माता पिता की संतान थे। लियोनार्डो का जैसे तैसे बचपन बीता और 15 साल की उम्र में वो उनके गुरु विरेचियो के पास पेंटिंग सीखने के लिए गया। वर्ष 1472 के दौरान विरेचियो को एक पेंटिंग बनाने का काम मिला। इस पेंटिंग को बनाने में विरेचियो के साथ लियोनार्डो का भी बहुत बड़ा योगदान था। इस पेंटिंग को आज बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस पेंटिंग में ईसा मसीह को ज्ञान प्राप्त करने के दृश्य में दिखाना था। ऐसा माना जाता है कि इस पेंटिंग के अंदर लियोनार्डो ने जो अपनी कलाकृति दिखाई वो देखने के बाद विरेचियो ने पेंटिंग करना ही छोड़ दी। अब हम बात करते हैं उस अद्भुत पेंटिंग के बारे में जिसके लिए लियोनार्डो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पेरिस के लूवर म्यूजियम में इस पेंटिंग को रखा गया है। ये इतनी खास पेंटिंग है कि इस पेंटिंग को कांच के बड़े बॉक्स के फ्रेम के अंदर रखा गया है। यहाँ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है ताकि अंदर का जो तापमान है या अंदर का जो माहौल है वो इस तरह बना रहे कि पेंटिंग को कोई खराबी ना हो। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी पेंटिंग एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखी गई है। ये पेंटिंग ही इतनी अद्भुत है कि अगर आप इसे एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। और इस पेंटिंग के अंदर इतनी मिस्ट्रीज छुपी हुई है जिसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सन 1503 से लियोनार्डो ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाना शुरू की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोनालिसा की अनफिनिश्ड पेंटिंग है। 1519 तक इस पेंटिंग पर काम चलता गया और यही 1519 में लियोनार्डो का देहांत हुआ था। तो आप सोच सकते हैं, इतनी अद्भुत पेंटिंग बनाने के बाद भी अगर वो पेंटिंग अनफिनिश्ड है तो अगर फिनिश्ड हो जाती तो कितनी और सुंदर लगती। लेकिन उससे पहले ही लियोनार्डो का देहांत हो गया। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि ये मोनालिसा आखिर है कौन। पहले बहुत सारे हिस्टोरियन का मानना था, उन्होंने अपने आप को एज अ लेडी पोर्ट्रे किया हुआ है और ये भी कहना था कि शायद ये उनकी माँ हो सकती है या जिनसे वो प्यार करते थे शायद ये वो लड़की हो सकती है। मोनालिसा का एक्चुअल मतलब होता है मोना मतलब माए और लिजा मतलब लेडी, तो माय लेडी इस पेंटिंग का असली नाम बन जाता है। इतिहास से ये भी पता चलता है कि ये पेंटिंग लिजा गरेंडनी फ्रांसिस्को डेल गियोंडो की वाइफ की पेंटिंग है। इस व्यक्ति के घर एक बच्चा पैदा होने वाला था, उसी की खुशी में इस व्यक्ति ने लियोनार्डो से उसकी वाइफ की पेंटिंग बनाने को कहा था। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहता है कि ये पेंटिंग कभी भी उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंची क्योंकि ये पेंटिंग तो कंप्लीट ही नहीं हुई थी। लियोनार्डो और इस व्यक्ति के बीच कोई भी मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। मनी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पेंटिंग कंप्लीट ही नहीं हुई और इसी के कारण पेंटिंग उस व्यक्ति को दी ही नहीं गई। सो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये पेंटिंग इस औरत की है और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि लियोनार्डो ने जानबूझकर ये पेंटिंग नहीं दी क्योंकि वो इस पेंटिंग के द्वारा कुछ मैसेज या कुछ बताना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि ये पेंटिंग हमेशा से सेफ रही है। 1797 से ये लूवरे पेरिस के म्यूजियम में ही है। नेपोलियन बोनेपार्ट को ये पेंटिंग इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगा कर रखा था। 1911 में इस पेंटिंग की चोरी भी की गई थी। इस पेंटिंग को समय समय पर बहुत बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इस पर पत्थर भी मारा गया था। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि क्यों इसे बुलेट प्रूफ कांच के पीछे रखा जाता है। आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि यह दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है और अगर आज इस पेंटिंग की कीमत लगाई जाएगी तो ये तकरीबन 5000 करोड़ रुपया होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 5000 करोड़। ऐसा माना जाता है कि
कि ये अद्भुत पेंटिंग बनाने के लिए हमारे बाल से भी पतला ब्रश का इस्तेमाल किया गया था। ये पेंटिंग किसी पेपर पे नहीं बल्कि लकड़ी पर बनाई गई थी ताकि ये बहुत सालों तक प्रिजर्व रहे, कोई इसे नुकसान ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं ये तकरीबन 500 साल पुरानी पेंटिंग है और उसके कलर लगभग वैसे ही हैं। यह बात सही है कि इसे थोड़ा रख रखाव भी इसका किया गया है, लेकिन आज भी यह बहुत अद्भुत दिखती है। और जो सबसे ज़्यादा रहस्यमय है वो है इस पेंटिंग में मोनालिसा की स्माइल। कुछ लोग कहते हैं कि मोनालिसा की आँखों में कोई कोड छुपा हुआ है, और ना जाने ऐसी कितनी सारी बातें हैं। ऐसे ही इस पेंटिंग के बारे में बहुत सारे अद्भुत रहस्य हैं। ये वीडियो का पार्ट वन था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हम पार्ट टू जल्द ही आपके पास लेकर आएंगे।